मध्यक्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बेहतरीन शतकों और चौथे विकेट के लिए इन दोनों के बीच हुई 200 रन से अधिक की साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम वन ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही विशाल स्कोर की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। इस टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स के समय टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 344 रन था। चेतेश्वर पुजारा 128 और रहाणे 103 रन बनाकर क्रीज पर थे। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा वायरल फीवर से उबरकर प्लेइंग 11 में स्थान पाने वाले केएल राहुल ने भी 57 रनों की पारी खेली, जबकि एक अन्य ओपनर शिखर धवन ने 35 रन बनाए। श्रीलंका के गेंदबाज आज सुबह से ही संघर्ष करते रहे, लेकिन वे भारत के सिर्फ 3 बल्लेबाजों को आउट कर पाए। धवन, राहुल के अलावा कप्तान विराट कोहली 13 आउट होने वाले तीसरे बल्लेबाज रहे। चाय के बाद भारतीय टीम के 250 रन 62.4 ओवर में पूरे हुए। इसी दौरान अजिंक्य रहाणे के 50 रन 83 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से पूरे हुए। इसके थोड़ी ही देर बाद पुजारा ने करियर का 13वां शतक जड़ते हुए अपने 50वें टेस्ट को यादगार बना लिया। इससे पहले अपनी पारी के दौरान पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन भी पूरे किए थे। 71 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर 282 रन है। शिखर धवन 35, केएल राहुल 57 और विराट कोहली 13 आउट होने वाले बल्लेबाज हैं। चेतेश्वर पुजारा 108 और अजिंक्य रहाणे 65 रन बनाकर क्रीज पर हैं। समय गुजरने के साथ पुजारा रहाणे की जोड़ी श्रीलंका के लिए सरदर्द बनती जा रही थी। भारतीय टीम के 300 रन 76.1 ओवर में पूरे हुए। दूसरी ओर जमकर पसीना बहाने के बावजूद श्रीलंका के गेंदबाजों को विकेट लेने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। पुजारा रहाणे की जोड़ी के बीच 200 रन की साझेदारी 273 गेंदों पर पूरी हुई। खेल समाप्ति के कुछ देर पहले अजिंक्य रहाणे ने भी अपने करियर का 9वां शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 151 गेंदों का सामना किया और 12 चौके जमाए।